मैंने आपको अपने चैनल पे कभी ऊंट यानी कैमल नहीं दिखाया, तो आज आपको मैं ऊंट दिखाता हूँ। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। ईद उल अज़हा के लिए आज आपको मैंने अपने चैनल पे ऊंट भी दिखा दिया। वाओ माशाल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह। पचास किलो का तोरा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा उठाया है। बहुत मेहनत का काम है। सल्यूट टू ऑल द मजदूर्स। अभी एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि मिस्त्री को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो तब तक मैं आपको ऊपर वाला सारे का सारा फ्लोर दिखा देता हूँ अपने घर का, और किचन दिखा देता हूँ, वाशरूम दिखा देता हूँ, जहाँ जहाँ टाइल्स लगाऊँ। अच्छा तो नाज़रीन, जब आप इस फ्लोर में एंटर होते हैं तो ये सबसे पहले आपको हमारा किचन नज़र आएगा। कल मिस्त्री आया था और उसने थोड़ा बहुत काम किया था, और ये उसने टाइल्स वगैरह लगाई हैं कल सारा दिन। हाँ जी, तो इसके अलावा ये सारा आपको पता है, पोर्शन है, नीचे डिब्बे हैं, अभी लकड़ी का काम रहता है, दरवाज़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा अभी काम रहता है। ये मशीन है जो पत्थर को काटने में इस्तेमाल होती है, आपने अक्सर देखा होगा। नीचे भी हमने टाइल लगानी है, दीवारों पर भी अभी टाइल लगानी है, अभी काफ़ी काम है। अच्छा, ये किचन के सामने वाला रूम है, यहाँ पे हम अपना एक डाइनिंग टेबल रखेंगे और यहाँ पे हम बैठ के खाया करेंगे खाना। ये देखें जी, ये वो पत्थर है जो हमने इस्तेमाल किया है, ब्लैक ज़ेब्रा इसको कहते हैं, अक्सर घरों में यही लगा होता है। ये डिब्बों के अंदर टाइल्स हैं, और ये एक अनदर रूम है, और वो साथ वॉशरूम भी अटैच है, और वॉशरूम में दिखाने वाला तो कुछ है नहीं। खैर, ये चपकलियाँ जी, घर काफ़ी दिनों से इसी तरह पड़ा था, तो ये चपकलियाँ वगैरह आ गई हैं, लेकिन ये भी कुछ ही दिन यहाँ पे हैं, इनका भी खात्मा जल्द हो जाएगा। खैर, ये हमारे घर का सबसे बड़ा रूम है, और ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे हम अपने सोफ़े वगैरह लगाएंगे, टीवी लॉन बनाएंगे इसको, और ये सारी टाइल्स वगैरह इधर पड़ी हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये बाई वाला मौसम है जी, इट्स अमेजिंग।
ये गली है और ये एक अनदर वॉशरूम है, ठीक है। आगे आज जी आगे चलते हैं। ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर को जाती हैं, ठीक है, छत की तरफ। ये एक और वॉशरूम है और ये एक और बड़ा कमरा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद है, दिखाने वाला तो कुछ है नहीं। ये रेत पर ही है जी और ये सीमेंट है। रेत को जब सीमेंट में मिक्स करते हैं तो वो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं पत्थर लगाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा गंद है यहाँ पे, ठीक है, और इस गंद का भी खात्मा जल्द हो जाएगा। ये भी बाहर की तरफ है जी, एक और नज़ारा बाहर का। वाह जी माशाल्लाह। और ये हमारी मस्जिद है, मीनार नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। ये साथ वालों की घर है, यहाँ ज़्यादा नहीं दिखा सकता आपको। ये एक और रूम है और ये सबसे प्यारा रूम है। ये जो इसका बॉर्डर है ये इसको बहुत ज़्यादा प्यारा बनाता है। यहाँ पे हम इसमें बेड वगैरह रखेंगे, साथ वॉशरूम भी अटैच है, ठीक है जी। हाँ जी जी, अभी खैर ये सारी चीज़ें दिखाने वाली तो नहीं थी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम होना है और जब काम होगा तभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट 30% हुआ है। ये था हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है जी। ओके, अभी मिस्त्री आने वाला है तो फिर बात करते हैं आपसे। ये टाइल्स हैं, लगाने से पहले इसको पानी में थोड़ा भिगो लेते हैं ताकि दीवार में अच्छे से ये लग जाए सीमेंट के साथ। ये हाँ जी, आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ जी और मिस्त्री भी चला गया है, तो आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। और आखिर में आपको एक बात कहनी थी कि अगर ये जो मैंने आज सारा दिन मजदूरी की है, आई विल बी अ ग्रेट पर्सन इन फ्यूचर, अगर मैं डॉक्टर बना तो ये मेरी तारीख बन जाएगी, ये कहानी बन जाएगी कि मैं लोगों को कह सकूँगा कि आई वर्क एज अ वर्कर इन वन डे। डॉक्टर बनने के लिए मैंने ये सब किया।